नमस्कार दोस्तों, अर्चना राठौर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आम रस। इसे बनाना बहुत ही आसान है और आम का सीजन है, तो चलिए स्टार्ट करते रेसिपी। आम रस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज के आम लिए हैं। ये पके हुए आम हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने छोटे गिलास में 2 बड़े चम्मच चीनी ली है, और यहाँ पे बस थोड़ी सी इलायची पाउडर और बस थोड़ा सा नमक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों आम को उसके ऊपर जो छिलका है उसको निकाल देंगे चाकू की हेल्प से, इस तरीके से। मैंने यहाँ पे छोटे चाकू का यूज़ किया है, इससे बहुत ही जल्दी छिलका जो है आम का निकल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आम का छिलका निकाल देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, एक आम का छिलका जो है मैंने निकाल दिया है, और दूसरे आम का भी इसी तरीके से छिलका निकाल देंगे। और अब देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसका छिलका जो है ये निकाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, मिक्सी का एक जार लेंगे, और मिक्सी के जार में इस आम को इस तरीके से हाथों की हेल्प से बस दबाएंगे, तो इसका जो भी पल्प है ये मिक्सी के जार में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से इसका जो पल्प है हमने निकाल दिया है। दूसरे आम का भी हम पल्प निकाल देंगे, और अब देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट निकाल दिया है मैंने। और ऊपर से हम डालेंगे चीनी। चीनी आप आपके स्वाद के हिसाब से यूज कीजिए, तो मैंने यहाँ पे बस 2 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। और उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और इलायची पाउडर, 1 गिलास पानी डाल देंगे, और कलर भी डालेंगे। कलर डालने से बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा, तो ये ऑप्शनल है। और बस थोड़ा सा कलर डाल देंगे और मिक्सी से अच्छे से चला के लेंगे। और यहाँ पे मैंने मिक्सी से चला के लिया है, ये जो आमरस है बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल दूंगी, और ये हमारा आमरस तैयार हो चुका है। आपने देखा, बहुत ही आसान तरीके से हमने आमरस बना के तैयार कर लिया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए आप भी, आपको मैं पास से दिखाऊंगी। ये देखिए, अगर आपको गाढ़ा आमरस पसंद नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे गाढ़ा आमरस पसंद है, इसलिए मैंने गाढ़ा बना दिया इसको। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।